खबर रांची जिला के सुनहातू प्रखंड की है, जहां अवैध खनन जोरों से चल रहा है। उपायुक्त छवि रंजन ने रांची जिला के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध उत्खनन सहित क्रशर और ईंट भट्टों के प्रदूषण इत्यादि की जांच के लिए सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन सुनहातू प्रखंड क्षेत्र में रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर अवैध बालू का संचालन धड़ल्ले से चल रहा है। इससे अब यही प्रतीत होता है कि डीसी का निर्देश केवल कागजों तक ही सीमित है। सुनहातू प्रखंड में उपायुक्त के निर्देश का कोई असर नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में बालू माफिया तो बताया जाता है कि बहुत ज्यादा है। आप तीनों का नाम ले रहे हैं? नहीं है, लेकिन मेरा गांव में इतना है। आपका गांव इतना? हाँ, मेरा गांव में इतना है। आपका गांव डिवाड़ी आनंद नगर? हाँ, तो डिवाड़ी आनंद नगर में ही बालू माफिया कम से कम 7 या 8 का संख्या में है। नहीं नहीं, वो लोग तो उधर से पुल से ऊपर तरफ से, और पुल भी क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है। पुल के उस पार से उठाता है? हाँ, ऊपर से 500-700 मीटर आगे से आज पीछे से उठाते हैं उधर। अच्छा, बताइए टोटल यहाँ पर बहुत ज्यादा बालू माफिया का संख्या का नाम आता है, तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? किस किस जगह का बालू माफिया लोग हैं? देखिए, इसमें आपका बंडी के शंकर पात्र जी भी बालू उठाते हैं, और शंकर बनिया एगो है साहू जी, वो भी उठाते हैं, और राजस्थान समाधि में उठाते हैं। बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। लेकिन इस क्षेत्र में बालू माफिया तो